अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मुस्लिम रज़ा। जैसा कि आप लोग सब मुझे जानते ही हैं पिछली तमाम वीडियोस में, और मैंने तकरीबन ये मेरी कोई चौथी वीडियो है सीरीज़ की, और मैंने पिछली हर वीडियो में कनेक्ट किया था कि मैं किस टॉपिक पे बात कर रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ। और मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों से कहा था कि मैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में हाज़िर होऊंगा, और मैं सिगरेट की ही जो मेन टॉपिक था कि उस पर क्या इंक्रीज़ है, क्या ड्यूटी है, उससे बात करूँगा। सबसे पहले तो मैं एक बात क्लियर कर दूं कि मैं ना ही सिगरेट पीने को, स्मोकिंग को प्रमोट कर रहा हूं, ना ही मैं कोई ऐसी, कहते हैं ना, इस तरीके की टोबैको नोशी को प्रमोट कर रहा हूं। मेरा मकसद सिर्फ एक ही है कि जो हमारे मुल्क में महंगाई बढ़ रही है उसके हवाले से बात की जाए। तो चले मैं बात करता हूँ, क्योंकि मैंने कहा भी था कि मैं अपनी अगली वीडियो में कोशिश करूँगा कि अपने साथ चंद वो लोग ज़रूर शामिल हों जो इससे इफ़ेक्ट हुए हैं। तो मेरी पूरी कोशिश होगी कि इंशाल्लाह मैं अपनी इसी वीडियो में कनेक्ट करूं और उन लोगों के तासुरात भी बताऊं कि इस सिगरेट से, सिगरेट के महंगे होने से क्या इफ़ेक्ट हुआ है। सो सबसे पहले तो मैं बात शुरू करता हूं कि सिगरेट में क्या इफ़ेक्ट क्या आया है पाकिस्तान के अंदर। अब जो आदाद और शुमार हैं उसके मुताबिक तो तकरीबन 150% फेडरल एक्साइज ड्यूटी इस पर बढ़ गई है। अब अगर बात की जाए कि किन चीज़ों पर बढ़ी है, तो फिलिप्स और मॉरिस के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर, जो पाकिस्तान की एक अच्छी सबसे बड़ी टोबैको मेकिंग कंपनी है, कि पाकिस्तान में सिगरेट जो 150 से 250% महंगी हुई है। अब अगर इस पर बात की जाए कि कौन सी महंगी हुई है, अब हमारा टॉपिक तो हर वक्त जो आप लोग के साथ है वो है एक आम आदमी पे। अब देखें, पाकिस्तान के अंदर तो वैसे भी सुकून, यानी एक बेसिक नेसेसिटी के लिए जो मसले मसाइल हैं, और जो एक गरीब आदमी को मसले मसाइल हैं, वैसे तो प्रमोट नहीं करना चाहिए कि वो सिगरेट पिए या ना पिए, लेकिन हमारी मुल्क के अंदर एक अच्छी अक्सरियत है जो स्मोकिंग से मुंसलिक है और सिगरेट पीती है। तो उनमें चंद ऐसी बातें हैं, जैसे आप लगा लें कि फिलिप्स और मॉरिस के मुताबिक 150 से 250% का इंक्रीज़ है, लेकिन जब बात की जाए कि जो सस्ते सिगरेट हैं, यानी जो नॉन पाकिस्तानी सस्ते ब्रांड हैं, उनकी क्या इंक्रीज़ है, और जो महंगे ब्रांड हैं उनकी क्या इंक्रीज़ है। अगर बात की जाए कि एक सिगरेट पे जो सस्ता है, कम से कम 2.5 रुपए से 5.5 रुपए का इंक्रीज़ है। अब बात की जाए कि वो कौन से सिगरेट हैं, तो मेरे हिसाब से जो मैंने अपने पास लिखे हैं, जो शॉर्ट लिस्ट किए हैं, क्योंकि मैं खुद तो इसमें स्मोकिंग नहीं करता, पर मुझे ऑब्वियसली, मैं इस माशरे का हिस्सा हूँ, तो मुझे वो बातें ज़्यादा पता है। तो आप समझ लें, चंद बेसिक सिगरेट हैं जिसमें गोल्डिफ शामिल है, जो पुरानी प्राइस थी 280 रुपए, पर इस वक्त वो मार्केट में 500 रुपए में भी नहीं मिल रही। इसी तरीके से और बात की जाए, जो बिल्कुल सस्ता ब्रांड है, मेरे एक अजीज़ ने उन्होंने मुझे बताया था कि पाइन एक सिगरेट हुआ करता था जो बिल्कुल सस्ता और आसानी से अवेलेबल ब्रांड है, वो 100 रुपए का हुआ करता था, आज 200 रुपए पे भी नहीं मिलता। तो मेरे ख्याल से एक आम आदमी जो बेचारा परेशानी में पीता है, या शौक से पीता है, या जिस चक्कर में पीता है, अब वो करे क्या। अब इसके असरात क्या हैं, लोगों ने चंद बातें मेरे साथ शेयर की हैं, वो भी मैं आपके साथ करता हूँ कि ये, मतलब ये हुकूमत चाहती क्या है, हुकूमत ने क्यों टैक्स लगाया है ये सिगरेट पे। तो बड़ी फनी बातें भी आई हैं, अब मैं कोशिश करता हूँ आपके साथ शेयर कर सकूं। एक तो ये कि हमारे मुल्क में हेल्थ केयर सिस्टम ठीक नहीं है, इस बात से तो सारे इत्तेफाक करते हैं। तो आप समझ लें, जो हेल्थ केयर सिस्टम ठीक नहीं है, तो हुकूमत ने हेल्थ केयर सिस्टम को तो ठीक करने के बजाय उन्होंने कहा उन चीज़ों को महंगा कर दो जो, जिन चीज़ों से हेल्थ खराब होती है। तो सिगरेट एक सरे फहरिस्त आइटम है जिससे इंसान की हेल्थ खराब होती है। तो आप समझ लें कि इंसान की परचेजिंग पावर जब कम होगी, ऑब्वियसली सिगरेट अगर 200 वाला 500 का हो जाएगा, 500 वाला 1000 का हो जाएगा, तो नहीं खरीद सकेंगे, और नहीं खरीद सकेंगे तो अल्टीमेटली इसका फायदा हुकूमत को होगा। हुकूमत को क्या होगा, लोग कम बीमार होंगे, लोगों को लंग्स कैंसर कम होगा, तो हम लोग कम बीमार होंगे तो हेल्थ केयर पे कम बजट लगेगा। ये तो हमारी समझ आने वाली बात है। एक बात यह है कि ऑब्वियसली हम इकोनॉमिकल क्राइसिस से जा रहे हैं, इकोनॉमिकल क्राइसिस में है, और उस इकोनॉमिकल क्राइसिस से बचने के लिए IMF को पैसे भरने हैं। तो ऑब्वियसली हुकूमत को पता है कि भाई एक पढ़ा लिखा तबका जो टैक्स पे करता है, उनके पास काफ़ी ऐसे तरीके हैं जिससे टैक्स को छुपा लेता है या नहीं भरता, वल्ला आलम। तो उन्होंने कहा अब ऐसे लोगों पे टैक्स लगा दो कि वो छुपा ही ना पाए, यानी सिगरेट 2 का है उसे 10 का कर दो, ताकि उसी पे टैक्स लगा लो, ऑब्वियसली नीड है तो वो पिएगा भी, टैक्स भी भरेगा। तो इसका मतलब तो यही समझ आता है कि अब जो मौजूदा हुकूमत है वो सारा टैक्स का पैसा हम उन सिगरेट पीने वालों से, यानी उन नशियों से लेगी, क्योंकि पढ़े लिखे लोग तो उन्हें दे नहीं रहे। और आखिरी बात जो मेरा अपना माइंड जो कम्युनिकेट करता है और कंक्लूड करता है कि हमारे पास इस वक्त ऐसे कोई सेक्टर बचे ही नहीं है शायद अपने मुल्क में कि जिसके ऊपर टैक्स लगा के मुल्क को अपने पांव पे खड़ा किया जाए। तो हुकूमत ने ये सोचा
चलो भाई सिगरेट पर टैक्स लगा देते हैं, क्योंकि ये तो हर छोटे से लेके बड़ा तबका, बड़ा बंदा अपने लिहाज से अपनी लेवल की सिगरेट पीता है और उससे टैक्स कलेक्ट करना भी आसान है। तो हुकूमत ने कहा, और तो बाकी एरियाज तो मुल्क में रहते बचे ही नहीं है, मतलब हमारे मुल्क में सिर्फ एक आखिरी सिगरेट ही रह गई है जिस पर टैक्स लगाना था। वेल, मैं प्रमोट तो नहीं करूंगा सिगरेट को एट दी एंड, पर यह है कि ये सारी वो बातें थी जो मुझे समझ आई और मैंने अपनी पिछली वीडियो में कहा था। तो फिर इंशाल्लाह अब आपको तासुरात दिखाते हैं चंद लोगों के। कि ये हालत किस तरह हुई है? ये सिगरेट से। अच्छा, और आप सागदार को क्यों ढूंढ रहे हैं? इसलिए सिगरेट उसने इतने महंगे कर दिए कि मैं पी नहीं सकता, अब मैं सेहत बंद हो जाऊंगा, इसलिए ढूंढता हूँ। कि मैं कहता था कि जो बंदा मुझे सिगरेट छिड़वाएगा उसको 10,000 रुपया इनाम दूंगा। अच्छा, हम महंगाई के बारे में क्या बात करें भाई, महंगाई ने तो हमारा बेड़ा गर्क कर दिया है। जो सिगरेट मैं गोल्डी पीता था, मुझे इतने खांसी इतने बलगम मेरे को आज तक नहीं आए हैं, जो मेरे को मजबूरन 80 रुपए वाली सिगरेट मैं ले रहा हूँ, तो हमारे साथ क्या ज्यादती हो रहा है? अभी मेरी मजबूरी है, मेरे हैबिट्स है, मैं सिगरेट नहीं छोड़ सकता हूँ।